हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्की। मैं लाइटरूम और फोटोशॉप की एडिटिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। आज के इस वीडियो में हम कलर ग्रेडिंग करना सीखेंगे, साथ ही मैं आप लोगों को लाइटरूम के कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगा, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें जाना है लाइट्स पे। लाइट्स पे जाने के बाद जस्ट हम एक्सपोजर्स को कम या ज़्यादा करके देखेंगे। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। अब हमें ये पता करना है कि इमेज पे ब्राइटनेस ज़्यादा है या कम। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, शो हिस्टोग्राम को ऑन करेंगे। जैसे ही मैं अपने एक्सपोजर्स को इस तरीके से बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्लाइडर्स हैं किस तरीके से राइट साइड चले गए हैं और ये फोटो ओवर ब्राइटनेस हो गया। और जैसे ही मैं इसे माइनस की ओर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कैसे ही एक्सपोजर का स्लाइडर्स जो है लेफ्ट साइड चले गए। तो इसे हम लोगों को बैलेंस पे रखना है, जिससे हमारा फोटो का ब्राइटनेस जो है एकदम प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए, जिससे हमारी एडिटिंग और भी बेहतर बन सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से बैलेंस करके देखेंगे कि कहाँ पर हमारा जो ब्राइटनेस है वो ठीक आ रहा है। अभी मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि मैं नीचे जो है हाईलाइट्स को इस तरीके से डाउन करूँगा, तो फिर ये काफ़ी ठीक आ जाएगा। साथ ही मैं इसमें शैडोज को हल्का सा डाउन करूँगा, वाइट्स को थोड़ा डाउन करूँगा और ब्लैक को भी इस तरीके से डाउन करूँगा। कॉन्ट्रास्ट मैं इसमें थोड़ा सा हल्का बढ़ाऊँगा, प्लस 12 और प्लस 39 इज़ ग्रेट है, काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर्स हैं। तो हिस्टोग्राम का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कभी हिस्टोग्राम का यूज़ किया है या नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टेम्परेचर पे चलते हैं। हम यहाँ पर वाइट बैलेंस इसको बोलते हैं, टेम्परेचर वाले इनको वाइट बैलेंस जो है हम थोड़ा सा मे बी कूलर टोन पे रखेंगे, माइनस टेन करने के बाद हम जस्ट वाइट बैलेंस को इस तरीके से बढ़ा देंगे। टिंट को देख सकते हैं आप, मैजेंटा कलर है और ये ग्रीन है, इसे हल्का सा मैं प्लस 4 रखूँगा मैजेंटा की ओर, और सेचुरेशन को -20। देन फिर हम इसे थोड़ा सा हम कम भी कर सकते हैं, वाइब्रेंस को प्लस 49। देन फिर हम चलते हैं मिक्स पे हम रेड्स पे आते हैं। रेड्स को जस्ट इस तरीके से मैं हल्का सेट्स कर देता हूँ। इसके बाद हल्का सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा दूंगा, लुमिनेंस इस तरीके से येलोस को ऑल डाउन कर दूंगा, हल्का सा यहाँ से ल्यूमिनेंस कम, थोड़ा सा सैचुरेशन कम, -13। देन ग्रीन पे आते हैं, इससे भी -100, हल्का सा ल्यूमिनेंस डाउन, हल्का सा सैचुरेशन कम। देन फिर एक्वा पे आते हैं, इससे +100। देन फिर हल्का सा सैचुरेशन भी इसका कम और हल्का सा ल्यूमिनेंस भी डाउन कर दूंगा। देन फिर ब्लूज पे थोड़ा सा -15, -14 और यहाँ पर -17। देन फिर पर्पल पे आते हैं, इसे -100 कर दूंगा, हल्का सा सेचुरेशन इसका भी कम। देन फिर लुमिनेंस भी हल्का सा कम, -19। देन फिर आते हैं मैजेंटा पे, इस पर मैं इसे -100 कर दूंगा। देन फिर हम डन करेंगे। डन करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। लाइटरूम का एक नया फीचर है कलर ग्रेडिंग का, जो काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें शेडोज दिया है, मिड टोन्स है, साथ ही हाइलाइट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम शेडोज़ को सेट करते हैं। इसमें ल्यूमिनेंस है, ब्लेंडिंग दिया है, ब्लेंडिंग का मतलब होता है रंगों को मिलाना, और बैलेंस है जिसमें आप कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं, चाहे शेडोज़ के हो, मिड टोन्स के हो या फिर हाइलाइट्स के हो। इसके बाद चलते हैं हम शेडोज़ को। शेडोज़ में मैं ये ब्लू कलर डालूँगा। इसमें आप इस तरीके से स्ट्रेट करके, स्ट्रेट लाइन में अगर आप ये ऐसा हिलाएंगे तो ये स्ट्रेट नहीं रहता, ये दूसरे कलर पे चले जाता है। आपको जस्ट इस ऐसे स्ट्रेट करके सेचुरेशन को कम करना है इस तरीके से। आप आउटर से भी ऐसे घुमा सकते हैं इसे, और इनर से भी घुमा सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर शेडोज़ को सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले सेचुरेशन को ज़्यादा नहीं रखना है शेडोज़ का, ज़्यादा मैं 7 से 8 ही रखूँगा। ये हो गया हमारा शेडोज। देन फिर मिड टोन्स पे आते हैं। मिड टोन्स को मैं रखूँगा स्किन टोन के कलर पे, जैसे कि ये हल्का सा ये ऑरेंज है, यहाँ पर इसे थोड़ा ओके डाउन
कर देते हैं। सेचुरेशन को यहाँ पर मैं रखूँगा प्लस 18। देन फिर आते हैं हम हाइलाइट्स पे। हाइलाइट्स को मैं रखूँगा इस तरीके से। यहाँ पर आप ज़्यादा करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके का हाइलाइट्स, आपको सेचुरेशन को बढ़ा के देख सकते हैं आपके फ़ोटो में किस तरीके का हाइलाइट्स सूट कर रहा है, सूटेबल है जिस भी प्रकार का। उसके बाद आप उस हाईलाइट को रख सकते हैं और सेचुरेशन को देन फिर आप कम भी कर सकते हैं। तो मेरे फोटोज़ पे इस तरीके का काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे ये भी काफ़ी बढ़िया है, हल्का सा ग्रीन स्टोन पे। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ सेचुरेशन को लगभग प्लस 21, काफ़ी सही है। हाइलाइट्स को के सेचुरेशन को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, जैसे प्लस 17 हो गया, ये थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसे। ओके प्लस 20, लुक्स ग्रेट। देन फिर हम आते हैं ग्लोबल पे। ग्लोबल पे आने के बाद मैं इसे हल यहाँ पर रख देता हूँ जो मैं देख रहा था, इसे ह्यू को रखा है मैंने 52 और सेचुरेशन को लगभग 15 के आसपास, काफ़ी बढ़िया है ये। आप यहाँ पर से ल्यूमिनेंस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो इसका थोड़ा सा मैं ल्यूमिनेंस को कम करूँगा। साथ ही यहाँ पर भी ल्यूमिनेंस जो है ये हल्का सा यहाँ पर -6। देन फिर ये ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं, ब्लेंडिंग का यूज़, इसमें ज़्यादा कुछ फर्क पता नहीं चल रहा है। और बैलेंस का भी ऑप्शन है, इस तरह किया मैंने तो मैजेंटा कलर आ गया, इस तरफ किया तो थोड़ा ग्रीन आ गया बैलेंस पे। इसे जस्ट प्लस 2 का बैलेंस रखना है। देन फिर मैं डन करता हूँ। डन करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट केस पे, टेक्सचर वाले सेक्शन पे। टेक्सचर को हल्का सा बढ़ा दूंगा। क्लैरिटी को आपको इस तरीके से फुल नहीं करना है, ना ही ज़्यादा करना है। अगर आपको अपने फ़ोटो को बेहतरीन तरीके से एडिट करना है तो इसे प्लस 20 के अंदर ही रखिए, क्योंकि फ़ोटोज़ पे हेलोनेस आ जाती है जिससे जो फ़ोटो का पिक्सल्स जो है वो फटाफटा सा लगता है। इसलिए क्लैरिटी का जब भी आप यूज़ करें तो प्लस 20 करें। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि हमें क्लैरिटी को बढ़ाना होता है, इसलिए हम उसे नॉइस रिडक्शन करके उसे ठीक कर लेते हैं। तो ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटो में, अगर आप एडिट करेंगे तो सेटिंग्स इस तरीके से भी कर सकते हैं। हल्का सा मैं यहाँ पे डिहेज करूँगा प्लस 5 का। देन विग्नेटिंग जो है उसका यूज़ तो करना ही है। फेदर को 100 रखना है ताकि जो हमारे एजेस है वो काफ़ी अच्छे हों, हार्ड ना हो, इस तरीके से हार्ड ना हो एजेस, जो सॉफ्ट हो। देन फिर विग्नेटिंग के बाद हम चलते हैं शार्पनेस पे। नॉइस को ऐसे बनाएंगे प्लस 49। शार्पनिंग का यूज़ अपन थोड़ी देर में करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मास्किंग का यूज़ करके आप कैसे शार्पनिंग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कर्व टूल पे। कर्व टूल का यूज़ करेंगे, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, ये पॉइंटर है, ऐसे कहते हैं वाइट्स, ये होता है हाईलाइट्स, ये होता है मिड टोन्स, देन ये होता है शेडोज, और ये लास्ट का ब्लैक्स। तो हल्का सा मैं यहाँ से ब्लैक्स को ऐसे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा शेडोज को उस तरीके से कम कर लेता हूँ, मिड टोन्स को ऐसे रखते हैं और हाईलाइट्स को थोड़ा ऐसा, और वाइट्स को हल्का सा कम कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये प्रॉपर तरीके से हमने एस कर्व बना लिया है, आप देख सकते हैं। देन फिर हम यहाँ पर ही, वैसे तो ये हम RGB का यूज़ कर रहे थे, देन फिर हम रेड चैनल पे जाते हैं। रेड चैनल पे हल्का सा हम थोड़ा सा यहाँ पे रेड्स को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। रेड का ऑपोजिट होता है ब्लू, तो अगर आपके टोन पे ब्लू है तो ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा मैं ब्लैक्स पे रेड्स तो नहीं यूज़ करूँगा, बल्कि मिड टोन्स पे, मिड टोन्स या हाईलाइट्स पे आप रेड्स का यूज़ कर सकते हैं हल्का सा। मे बी मिड टोन्स पे थोड़ा करना बेहतर रहेगा, क्योंकि मिड टोन्स पे स्किन का कलर भी हमने वैसे ही चूज़ किया था, तो इसलिए मिड टोन्स पे रेड्स का यूज़ काफ़ी सही रहेगा। इसमें एस कर्व बनाना ज़रूरी नहीं है, इसमें आप अपने फ़ोटो में जो कलर टोन है उसके हिसाब से रेड्स, ग्रीन और ब्लू का ब्लू चैनल में सेटिंग्स कर सकते हैं कर्व का। देन फिर चलते हैं ग्रीन्स पे। ग्रीन्स का अपोजिट होता है मैजेंटा। मैं हल्का सा शेडोज पे मैजेंटा कलर चाहूँगा, ग्रीन नहीं, हल्का सा यहाँ पर से इस तरीके से मैं कम कर दूँगा। देन फिर हम चलते हैं ब्लूज पे। ओके ब्लूज को इस तरीके से सेट करना है,
साथ ही ये बहुत ही अच्छा टोन लग रहा है, ये येलो स्टोन आए हैं मिड टोन से, तो इसे थोड़ा सा ऐसा ही रहने देंगे और हाईलाइट्स को भी ऐसा ही रख दिया जाए तो काफ़ी सही रहेगा, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये ब्लू जो है ब्लैक से, इस तरीके से आप कॉर्नर्स पे देख सकते हैं यहाँ पर कैसे ये आ रहे हैं, तो इसे हल्का सा इस तरीके से रखेंगे। देन फिर मैं यहाँ पर से डन कर दूँगा। डन करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर जाना है सिलेक्टिव टूल पे। सिलेक्टिव टूल पे हमें प्लस आइकन पे क्लिक करना है, साथ ही ब्रश को, ब्रश वाले आइकन टूल को सेलेक्ट करना है और फिर हम अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से, आप ओपेसिटी फेदर और फ्लो देख सकते हैं, सब 100 रहेगा, बाकी ब्रश साइज आपके हिसाब से रख सकते हैं आप। इस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट को पेंट कर देना है। देन फिर हमें जाना है यहाँ पर एक्सपोजर्स पे, हमें अपने सब्जेक्ट को हल्का सा एक्सपोज करना है, थोड़ा सा ब्राइट करना है, शेडोज को बढ़ा सकते हैं, वाइट्स को बढ़ा सकते हैं, ब्लैक्स को थोड़ा कम कर सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, दोनों, ये दोनों आपकी मर्जी। थोड़ा सा मैं कम करना चाहूँगा, -8। देन फिर हम टेम्परेचर पर चलते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्लस करना है टेम्परेचर को, सेचुरेशन को भी +4 करना है। देन फिर ये ह्यू है और यूज़ फाइन एडजस्टमेंट है, इसका यूज़ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं तो नहीं करूँगा इसमें क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। देन फिर हम चलते हैं टेक्सचर पे, हमें टेक्सचर को हल्का सा बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, क्लैरिटी और डीएस का यूज़ हमें नहीं करना है क्योंकि हम इस वक्त कर रहे हैं सब्जेक्ट को पॉपअप कर रहे हैं, तो जिससे क्या है सब्जेक्ट जो है बैकग्राउंड से अलग दिखे। तो फिर चलते हैं हम शार्पनेस को, शार्पनेस आप कर सकते हैं यहाँ पर से +31 कर दिया है मैंने और नॉइज़ को भी +27। शार्पनेस को बढ़ाने से क्या है, आप डबल शार्पनेस करते हो, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट पे शार्प करते हो, देन फिर आप टोटली ग्लोबली शार्प करते हो, तो इससे क्या है आपका सब्जेक्ट जो है और भी बेहतर तरीके से शार्प हो जाता है जो बैकग्राउंड से काफ़ी अलग लगता है। तो फिर हमें यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है ये होने के बाद, देन फिर से हमें सिलेक्टेड टूल पे जाना है, देन फिर हम रेडियल फिल्टर पे जाएंगे। रेडियल फिल्टर पे जाने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे, साथ ही इसे इन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इन्वर्ट करने के बाद हमें एक्सपोजर को इधर डाउन कर देने हैं बैकग्राउंड का और टेम्परेचर को भी माइनस कर देना है, देन साथ ही साथ सेचुरेशन को भी इस तरीके से -8। आपको सेचुरेशन को पूरा ही डाउन नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत डाउन करना है, जैसे -6 हो गया, अपने फोटो के हिसाब से -7 या -8, इस तरीके से आप टेम्परेचर और सेचुरेशन को डाउन कर सकते हैं। देन फिर एक और चीज़ है, हाईलाइट्स को भी आप डाउन कर सकते हैं, शेडोज हो गए, वाइट्स हो गए, ब्लैक्स हो गए, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे +2 करूँगा। देन फिर यहाँ पे आप क्लैरिटी को बढ़ा सकते हैं हल्का सा और डिहेज भी बढ़ा सकते हैं जिससे थोड़ा सा जो डार्कनेस है वो आ सके, साथ ही टेक्स्चर को यहाँ पर आपको कम करना है इस तरीके से ताकि जो बैकग्राउंड का एरिया है वो और ब्लर लगे, थोड़ा तो ब्लरी लगे, जिससे क्या है हमारा सब्जेक्ट जो है वो फोकस में रहे, बैकग्राउंड से काफ़ी अलग दिखे। तो यहाँ पर हम इसे राइट कर देते हैं। इतना करने के बाद हमें आना है यहाँ पर, फिर से मैं सेलेक्टिव टूल पे जाऊँगा, देन फिर ग्रेडियंट टूल का यूज़ करके यहाँ पर से हल्का सा थोड़ा सा और मैं यहाँ पे डार्कनेस करूँगा, जिससे क्या है काफ़ी अच्छा फील आया, टेक्स्चर को यहाँ पर काफ़ी -100 कर दूँगा, थोड़ा सा ब्लर लगे यहाँ पर का पोर्शन। देन फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स पे, हमें आना है शार्पनिंग पे। अब हमें यहाँ पर मास्किंग का यूज़ करेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप मास्किंग का यूज़ करते हैं कि नहीं शार्प करने के लिए फोटो को। तो हम क्या करते हैं मास्किंग को 100 कर देते हैं। 100 करने के बाद आपको जस्ट अपना 2 फिंगर लेना है, देन फिर इसे इस तरीके से होल्ड करके ऐसे पास लाना है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है जितने भी एरिया आपको दिख रहे हैं ये जो पेंट हुआ हुआ वहाँ पर ही आपका मास्किंग जो है लगा हुआ है और उतना ही एरिया आपका शार्प होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से शार्प कर सकते हैं अपने फोटोज़ को, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शार्प हो गया है। साथ ही इसके बाद एक और टिप है जिसमें आप अपनी फ़ोटोज़ की ब्राइटनेस को फिर से देख सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़ फिर से कर सकते हैं लास्ट में, कि आपका एडिटिंग अगर आपको लग रहा है कि इमेज का ब्राइटनेस कम है तो आप उसे फिर से बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, जिससे क्या है कि आपकी फ़ोटो
में जो है पोस्ट करने से पहले ही काफ़ी बेहतरीन तरीके से एडिट भी हो जाएगी, साथ ही आपके फोटो जो है डार्क भी नहीं रहेगा एडिटिंग के बाद, ये काफ़ी बेहतर है। देन फिर मैं इंस्टोग्राम को इस तरीके से ऑफ करके लाइट्स को वापस दबा देता हूँ। तो आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसे लगी, साथ ही हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपको रोज़ाना ऐसे ही वीडियोस एडिटिंग की मिलती रहती हैं, मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं।